नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्ग मूल कैसे निकालते हैं इसका इस वीडियो में हम सीखेंगे। यदि आपके पास कोई छोटी संख्या हो जैसे 4 का वर्ग मूल निकालना, आपको स्क्वायर रूट निकालना, तो आप निकाल सकते हैं। आपके पास बड़ी संख्या आ गई तो आप कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे, और सिंपल तरीका है, इससे आप कम समय में आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है, उसके पीछे सारणी के अंदर तो संख्या आपको संख्या का वर्गमूल निकालना है, उसको आपको लिख देना है। इस तरह की सारणी बनानी है आपको। फिर पीछे से आपको दो दो का जोड़ा बनाना है, पीछे से बनाना है जोड़ा। जोड़ा बनाने के बाद में जो फर्स्ट जोड़ा है उसको हम देखेंगे सबसे पहले, और 26 यानी किसके स्क्वायर के बाद में आता है, यानी 2 के स्क्वायर के बाद में आता है या 3 के स्क्वायर के बाद में आता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी हम 26 को लेंगे कम से। यहाँ पर 4 26 किसके बाद में आता है, इन सभी के बाद में आता है, पर हमें वो लेनी है जो कम से कम उसके बीच में डिफरेंस हो। 25 और 26 के बीच में एक ही डिफरेंस है, यानी कम से कम इसके बीच में डिफरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। 26 से 36 ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे। फिर हम इसको देखेंगे और जिस इन चारों में से सबसे कम किसका डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो हम 5 यहाँ पर लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। ऊपर लिखने के बाद जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें 25 लिख देना है, 5 × 5। फिर हमें क्या करना है, इसके बीच नीचे एक और लाइन खींच लेनी है, और 26 में से 25 के एक बचा, इसके बीच इसके बाद में दो जो पीछे वाला जोड़ा है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देना। आपको नोट डाउन करने के बाद में सेम प्रोसेस है, इसके पहले आप 5 + 5 इसको जोड़ लेना है। इससे पहले जोड़ने के बाद हमें क्या करना है कि जो संख्या, अब सेम प्रोसेस है, नीचे एक लाइन लगा दीजिए ताकि एक संख्या में आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर यदि मैं एक लूँ, यहाँ पर कौन सी संख्या लें, यहाँ पर एक लूँ तो नीचे भी एक लिखना पड़ेगा और दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से सेम रूल है, 25 का 25 कैसे आया, उसका डिफरेंस कम हो, कम से कम हो डिफरेंस, उस वो आपने लिखना है। तो एक लिया तो एक से ये सेटिस्फाई हो गया कि एक लिखने से 101 आ रहे हैं। यदि 101 नहीं आ रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ता, सेम लिखना पड़ता और नीचे प्रोसेस करना पड़ता। एक ले लिया कुछ नहीं और एक यहाँ पर आपको लिख देना है, तो नीचे कुछ नहीं 0 बच जाए तो आपको छोड़ देना है, यानी 51 इसका उत्तर है, इसका स्क्वायर रूट 51 होगा, यानी 51 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2601 आएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।